हेलो गाइस, स्वागत है को न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में ना फिर से खेलने वाले हैं एक ब्रांड न्यू गेम जो कि काफ़ी एपिक गेम है, GTA 5। तो ये सीरीज होने वाली है काफ़ी ज़्यादा एपिक और काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट मैं उम्मीद करता हूँ मैं डाल पाऊँ इस सीरीज़ से। और भी इसमें एक पैरेलल सीरीज आएगी, मतलब इसके साथ में ही सीरीज़ की सीरीज़ में आएगी एक सीरीज़, तो वो मैं उम्मीद करता हूँ कुछ सालों में आएगी, देखते हैं अभी। तो काफ़ी बड़े ड्रीम्स हैं लेकिन उसको अचीव करने के लिए मुझे तुम लोगों का सपोर्ट लगेगा। लेकिन उससे पहले अभी हम लोग वीडियो पे आ जाते हैं। ये है एपिसोड नंबर 1 GTA 5 का। तो यहाँ पे अभी मतलब बेसिक मिशन हमारा चल रहा है, यहाँ पे हमें करनी है रॉबरी। जस्ट फर्स्ट वाले एपिसोड में अभी मेरा बैग जो खाली दिख रहा है ये भरने वाला है पैसों से। और यहाँ पे अभी मैं मतलब इसके स्टोरी मोड में आ चुका हूँ। फर्स्ट मिशन स्टोरी मोड वाला ही होता है। तो जितना भी पैसा अभी दिख रहा है ये हम लोग बैग में भर लेते हैं अच्छे से और यहाँ से हमें रवाना होना है। लेकिन भाई यहाँ पे पुलिस भी आ चुकी है तो हमें एस्केप करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो जस्ट मैं ऐसे ही बताने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं एस्केप ही कर रहा था, ये टकले ने भाई पकड़ लिया मुझे। तो गाइस यहाँ पे इस टकले को हमें उड़ाना है, बेसिकली इसका टकला और जो चमक रहा है तुम्हें दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे करेक्टर स्विच करना है जो कि मुझे कभी कंट्रोल्स का थोड़ा बहुत मैं पता कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भाई ये GTA अभी तक सिर्फ वीडियोज़ में देखी है, कभी खेली नहीं। तो यहाँ पर मैं तुम्हें मज़ा डबल देने वाला हूँ क्योंकि भाई मैं भी एक तरह से इंजॉय करूँगा इस सीरीज़ को। मुझे पता नहीं है कि क्या होने वाला है, जस्ट अभी मतलब फर्स्ट मिशन तो पता है लेकिन बाकी सारे मिशंस मुझे नहीं अंदाज़ा क्या होने वाला है। तो मैं तुम्हारे को पूरी तरह से एक ऐसे तरह दूंगा कि भाई कि मतलब मेरे को कुछ अनजान हो तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर मैंने जैसे मूवी देखी हो और तुमने भी देखी हो तो मैं तुम्हें उतने अच्छे से मैं मूवी नहीं देख पाऊँगा दूसरी बार, लेकिन यहाँ पर मैं पहली बार मूवी देखने वाला हूँ एक तरह से। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा जल्दबाजी में मिशन कर दिया था तो यहाँ पे हो गया फेल्ड फर्स्ट मिशन मेरा। तो उसके बाद में मैंने इस मिशन को भाई दोबारा किया और मैंने इसको पास कर दिया। तो भाई वहाँ पे मैंने सीन कट कर दिए क्योंकि भाई बहुत लंबा मिशन है और इंट्रो मिशन है तो सब वो डाल ही देते हैं, तो इसलिए मैंने कहा छोड़ो से, हम लोग अगले मिशन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट मिशन स्किप करने का ये तरीका था। तो उसके बाद हमारी यहाँ पे रेस स्टार्ट हो जाती है। तो गाइस उसके बाद रेस में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आ रहा था मेरे को, लेकिन भाई यहाँ पे गाड़ी की मैंने ऐसी तैसी कर दी। मेरे को ब्रांड न्यू गाड़ी दी थी उसने रेस के लिए, लमार के साथ किसी बंदे के साथ रेस थी। तो भाई मेरे को बिल्कुल ड्रिफ्टी ड्रिफ्ट मारे जा रहा हूँ, मतलब बिल्कुल गाड़ी की कोई सेंस नहीं पड़ रही कहाँ पर, मतलब मेरे को लग रहा था इसका हैवी वेट फील होगा। लेकिन भाई मैंने यहाँ पर कीबोर्ड पूरा दबा दिया और कंट्रोल्स मेरे हाथों में ठंड की वजह से अकड़ गई हैं उंगलियाँ, तो मैं फुल तरीके से दबा रहा हूँ, मेरे को नहीं पता भाई कुछ भी। अभी अगले एपिसोड से मैं ठीक ठाक ड्राइविंग कर दूँगा, अभी तो मैं भाई उड़ाने वाला हूँ गाड़ी बिल्कुल। और वैसे भी रेस जीतने हैं मुझे, मेरे को लग नहीं रहा जीत पाऊँगा क्योंकि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुका है मुझसे, और अगर मैं कहीं पर पोल पर ना ठुका तो मैं शायद से जीत जाऊँ शायद से। और ये वाला सीन को GTA सैन एंड्रियास से याद आ गया यार, ये बिल्कुल डाउन स्लोप होती थी वहाँ पे भी। तो ये ठीक हो गई गाड़ी, बहुत ज़ोर से मारी मैंने, फाइनली सीधी हो गई है। और ये काफ़ी ज़्यादा भाई अच्छी गाड़ी तो लग रही है, लेकिन भाई यहाँ पे चलाने वाला भी तो अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे भाई गाड़ी फिर से ठोकने में है और मेरे को अब रेस में जीतने की कोई ख़ास होप्स है नहीं, फिर भी देखते हैं लेट्स सी क्या होता है। देखो भाई क्या ड्राइविंग करता हूँ मैं, मतलब मेरे जैसा प्रो ड्राइवर इस पूरी दुनिया में नहीं होगा, होता हूँ ये लो और ठोकू बताओ, ये वाला। तो भाई यहाँ पे रेस तो भाई कब की ख़त्म हो गई और मेरी गाड़ी की तुम हालत देख सकते हो, बहुत बुरी हालत है। और उसमें इसने मिशन में बोल दिया कि भाई पुलिस से एस्केप करो, तो इस गाड़ी के साथ पुलिस से एस्केप तो भाई कर भी दूंगा क्योंकि मेरे को बस जस्ट उड़ानी है गाड़ी और 170-180 की स्पीड पे भगानी। और यहाँ पे मैंने एस्केप भी कर दिया पुलिस से, आई थिंक हल्की फुल्की पुलिस थी। तो भाई डन हो गया मिशन, ऑलमोस्ट नहीं है भाई, अभी मुझे घर पे जाना है तो उसके बाद मिशन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें मैं एक जस्ट अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ, ये है भाई GTA का गन शॉप। तो यहाँ से मुझे गन्स मिलेगी, तो लेकिन अभी के लिए मेरे लिए ये बंद है, अभी मिशन करने के बाद खुलेगा। तो जल्दी से जल्दी इस मिशन को करते हैं, ये वाला मिशन नहीं अगला मिशन करके खुलेगा आई थिंक, सो पता नहीं देखते हैं, जब खुलेगा मैं बता दूंगा तुमको। जस्ट अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं इसके बेटे के पास, माइकल के बेटे जैसे जिमी के पास।
तो इससे ये है अपना कार डीलर, और यहाँ पे मैं इसको बेचूंगा अपनी कार खटारा सी जो मैंने करी है, उसके बदले ये दे रहा है मुझे। देखो भाई कितनी सुंदर सी कार, मतलब भाई मैंने उसको कूड़ा करके दिया है कार का। और मेरे को लग रहा है भाई ये गाड़ी मैं ठीक ठाक चला लूँगा, देखते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओह माय गॉड, ठीक ठाक चला ले भाई, ये नहीं ठुकनी चाहिए कहीं पे। मेरे को लगता नहीं कि और मेरे को कार देगा कोई अब, भाई ना ही ठुके तो अच्छा है। तो भाई मैं स्पीड क्यों उठा रहा हूँ मेरे को समझ नहीं पड़ रही बिल्कुल। ओ भाई ट्रक पे ठुक गई, कितना स्क्रैच आया, हल्का सा स्क्रैच आया। तो भाई अब मैं थोड़ा सेफ थोड़ा धीरे ही चलाने वाला हूँ उसको, और सोच समझ के जाऊँगा। लेकिन भाई यहाँ पे मुझे डर लगता है, जब भी साइड के एंगल पे गाड़ी आ जाती है ना मेरी, मेरे को लगता है पीछे से कोई ठोक देगा। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे डर से हम लोग जीत लेते हैं। लेकिन भाई यहाँ घर कहाँ है यार मेरा, बिल्कुल मुझे मिल नहीं रहा। अच्छा ये बंद सी गलियों में है क्या मेरा घर? कहाँ पे है, ये वाला है कि अगला वाला है? इनमें से आई थिंक ये वाला है मेरा घर। तो यहाँ पे गैराज में गाड़ी ठूस देते हैं, पहले निकल जाए। इसके बाद मैंने ठोकी नहीं गाड़ी, तुम लोगों ने देखा एक चीज़ बढ़िया हुई। तो ये रही भाई गैराज के अंदर गाड़ी, फाइनली मैंने सुरक्षित पहुंचा दी एक स्क्रैच से, और यहाँ पे मैं फाइनली अपने घर पहुंच गया हूँ। लेकिन ये माइकल तो नहीं है यार, लेकिन यहाँ पे मिशन पास हो गया। थोड़ी बहुत गालियाँ खाई मैंने यहाँ पे अंदर, और कुछ खास था नहीं। तो फाइनली हमारा मिशन नंबर 2 पास हो गया। तो इस वीडियो में बस, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया दिल से थैंक यू, मिलते नेक्स्ट वीडियो में।